श्री ढाकड़ जी, पुनीत शर्मा जी, मुनीत मनोज सोनी जी, बंटी चौहान, श्रीमती सरोज तोमर, श्री जगदीश नागर, श्री राजू सुमन, पूरन आर्य और अकरम खान, और हमारे पुराने भोले वाले सीताराम जी, जोरदार सीताराम जी के लिए तालियां बजाएं। आपने इस पूरे क्षेत्र में आज का दिन ये खास करके, वैसे तो लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूपेन्द्र यादव जी के लिए अभिनंदन करिए। बहुत दिन का ये माननीय रावत जी ने कहा था, बात सही है, एक प्रोजेक्ट के लिए जगह रिजर्व की गई, लेकिन कभी कभी क्या परमात्मा कुछ और मंजूर होता, हम करते कुछ और है, ये उसका उदाहरण है जिस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़े। लेकिन आज ये वन्य जीव के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की जो कल्पना थी, वाकई ये अद्भुत इतिहास बन रहा है, जिस इतिहास के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति जो पूरे एशिया महाद्वीप में जो प्रजाति अब हमारे बीच में 70 साल पहले चली गई, उसको पुनर्स्थापित करने का जो प्रकल्प ला रहे हैं, और ये हमारे ही अपने आज ये जिस बात के लिए मैं आज दिन में मीटिंग में बैठा था रावत जी और बता रहे थे कि गांधी सागर के अंदर जो पुराने चित्र चित्रांकन हजारों साल लाखों साल पुराने होंगे, उसमें चीता के चित्र बने हुए, और ये जाने अनजाने हमसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में एक नया प्रकल्प खड़ा होगा। और वाकई में पहली बार आया हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आ गया हूं। पुलिस वाले रोक रहे हैं और मेरे भाई रुक नहीं रहे, ऊपर ऊपर गिरते गिरते कोई माला पहना रहा, कोई हाथ मिला रहा, कोई जिस प्रकार से आत्मीयता दे रहा है, मुझे लगा कि बार बार आना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, ये प्रेम आपका हमारा बरकरार रहे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, हमारे लिए वन्य जीव के बीच में रह करके ये जो आपने पर्यावरण के प्रति जो अपना एक जीवन ढाला, इसकी कई कठिनाइयां दूर से देखो तो, लेकिन जो आज की मीटिंग में मैं बैठा था, उस मीटिंग में माननीय भूपेन्द्र जी ने जो लाइन दी है, निश्चित रूप से हम उस पर बढ़ेंगे। आपने कहा कि केवल चीता प्रोजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, और ये बात भी सही है, मध्य प्रदेश को कई मामलों में गर्व है, वो देश का बाकी राज्यों में से नंबर वन है, वो टाइगर रिजर्व में नंबर वन है, वो गिद्ध प्रदेश में नंबर वन है, वो लेपर्ड या तेंदुआ प्रदेश में नंबर वन है, ऐसे कई मामलों में अब अपना चीता में भी नंबर वन हो गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ। लेकिन केवल वन्य जीव के आधार पर हम अपने यहाँ के इकोनॉमी बदलने की दिशा में ये बहु एंगल से चलना पड़ेगा, अलग अलग कोण से हम बढ़ेंगे। हमने कहा कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे रह करके भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फॉरेस्ट का लाभ तो मिलेगा ही, वो सबसे अग्रगण्य है, उसका स्थान सबसे नंबर वन में है, लेकिन फॉरेस्ट के अलावा भी जैसे हम सबकी मंच की भावना है, रावत जी ने भी कहा और हम सबकी भावना भी है कि हमारे अपने यहाँ के क्षेत्र के लोग क्यों छोटा मोटा काम करके रहे अपने जीवन में, ये माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जिन्होंने अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना बड़ा माने उनका, कि हाँ हमारे गरीब लोगों के भी मकान बनना चाहिए, उनका आशियाना बनना चाहिए, और इसका आशियाना बनने के लिए बेगा सहरिया, ये तो दुर्सन जी अब आपके यहाँ तो 2 लाख रुपया हो गया, ये जो अंतर था ना पहले 2.5 लाख रुपया हो गया, 2.5 हो गया समझो, तो आज अपने पास 2.5 लाख का मकान तो आराम से मिलता है। जो आपने दूसरी बात मुझे बताई है कि आपने बीच में से एक तो यहाँ कुछ एक सड़क की बात आई है, तो एक सड़क की तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ अभी आपके बीच में से, जिनके कारण से आने जाने के लिए 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास की बड़ी मदद मिलेगी। आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कही या इसकी जगह दी, क्या उससे सही खुला, तो मैं यहीं से एक नया छोटा चिकित्सालय बनाने की घोषणा करता हूं, जो अपने बीच में यहां के लोगों को लाभ देगा। इसके अलावा जो आपने चाहा है, हमारे पास खास करके इसी क्षेत्र में पूनो राष्ट्रीय उद्यान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी आज ही किया है, ताकि भविष्य में पेट्रोल लेने के लिए भी जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही वो सौगात मिलेगी।
मुझे ध्यान में आया कि लगभग कितने मित्रों को साइकिल दे रहे हैं यहाँ पे? 350। 350 किस किस को मिल रही है साइकिल, किस किस को मिल रही है? ये क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। 350 साइकिल की सौगात में दी जा रही है। ये अपने क्षेत्र के अंदर अपने जीवन में भी बदलाव लाएगी और भविष्य में उम्मीद करेंगे आपको मोटरसाइकिल मिले। चिंता मत करो, आप अपने काम धंधे इतने खुलेंगे कि हमारे लोग आज मोटरसाइकिल चलाए कल मोटरसाइकिल चलाए। आज अपने क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में जितने प्रकार के भी यहाँ रोजगार के संसाधन है, प्रत्येक क्षेत्र को जोड़कर के सरकार के सभी विभागों का तालमेल जो मिलाते हुए यहाँ भविष्य में न केवल हमारे पर्यटन के केंद्र के नाते से इसको जाना जाए, बल्कि पर्यटन केंद्र के अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पर रोजगार भी मिलता है और बाकी क्षेत्र को बदलने के लिए बड़ी वो भूमिका अदा करते हैं। तो सम्मिलित रूप से कई विभागों को लेकर के बैठेंगे और इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। आज तो थोड़ा समय कम पड़ा है, मैंने कोशिश की थी जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन फिर भी 137 करोड़ की लागत से कूनो पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात में क्षेत्र को मिलने जा रही है जिसका लाभ आपके क्षेत्र को मिलेगा। आपने कहा कि वन ग्राम और राजस्व ग्राम के बीच में इसका कोई रास्ता निकालेंगे।